नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। अब हम दे रहे हैं आपको एक ऐसी न्यूज जिससे सुनकर साथ निभाना साथिया के सभी फैंस के चेहरों पर खुशी आ जाएगी। जी हाँ, स्टार प्लस के मशहूर सीरियल साथ निभाना साथिया में जग्गी के नाम से मोहम्मद नाजिम की, जो कि अब तक अहम का किरदार निभाते आए थे, उनकी वापसी होने जा रही है। मोहम्मद नाजिम, जो कि अब की बार किरदार अदा करेंगे जग्गी नाम के एक पंजाबी लड़के का, उनकी एंट्री के बाद सीरियल में ट्विस्ट की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। सीरियल के बारे में बताया जा रहा है कि गोपी का किरदार निभाने वाली देवोलीना भट्टाचार्य आने वाले एपिसोड में पागल खाने चली जाएंगी। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो डॉक्टर कृष्णा, जो कि अभी गोपी के पति के किरदार में नजर आ रहे हैं, उनकी असलियत गोपी के सामने उजागर हो जाएगी और इस असलियत को देखकर गोपी दंग हो जाएंगी। इसी कड़ी में गोपी को कमरे में नजरबंद कर दिया जाएगा और उन पर जुल्म और सितम ढाया जाएगा। जब गोपी के हालात और भी खराब हो जाएंगे, तब गोपी को पागलखाने में भर्ती करा दिया जाएगा, जहां उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाएंगे। तो ये तो बात कर रहे थे हम साथ निभाना साथिया की लेटेस्ट ट्विस्ट की। अब बात कर लेते हैं जग्गी यानी कि मोहम्मद नाजिम की, जिन्हें आप अब से पहले अहम के किरदार में देखते आ रहे थे, लेकिन अब वो अहम की तरह काफी शरीफ से नहीं बल्कि काफी मजाकिया किस्म के नाचने गाने वाले लड़के के रूप में नजर आएंगे। उनकी ये एंट्री होगी जन्माष्टमी के स्पेशल एपिसोड में। अब इस नई एंट्री से गोपी बहू की जिंदगी में और कौन कौन से ट्विस्ट आते हैं, ये भी देखने लायक होगा। अभी तो हम और आप सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। खैर, आप इस सीरियल के बारे में या गोपी के बारे में, अहम के बारे में, किसी और किरदार के बारे में कुछ खास जानना चाहते हो तो आप हमारे मैसेज बॉक्स में जाकर हमें टाइप करके पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।